नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको अर्ध पद्म पादों तानासना को करने का आसान तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों यह अभ्यास शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक लाभकारी अभ्यास है। इसे करने से हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस के लिए एक लाभकारी अभ्यास है। जिन लोगों के पैरों में अक्सर दर्द, थकान की समस्या उत्पन्न होती है या हिप्स और थाई में दर्द की समस्या होती है, तो वह इस अर्ध पद्म पादोत्तानासना को नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दोस्तों अर्ध पद्म पादोत्तानासना तंत्रिका तंत्र या नाड़ी संस्थान में संतुलन करने में मदद करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टॉपवॉच की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजिशन पर आते हैं और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा हो, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और सबसे पहले अपने पैरों को ऐसे अप डाउन करते हुए आपने इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आप ऐसे ही आराम से पद्मासना को या अर्ध पद्मासना को लगा लेते हो तब ही आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें, फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक काम के दबाव के कारण जब हमारे हाथ पैरों में दर्द या थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप इस अर्ध पद्म पादोत्तानासना को 5 से 10 मिनट एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही स्टॉपवॉच की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं, अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ले जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं और ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के समीप लाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही अर्ध पद्म पादोत्तानासना की पोजीशन पर रहें। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो, अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटने के नीचे से लगा लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। यह अभ्यास हमारे हिप्स और थाई में जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है और इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा कर लेते हैं और फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। सेकंड 2 मिनट ऐसे ही अर्ध पद्म पश्चिमोत्तानासना अर्ध पद्म पादोत्तानासना की पोजीशन पर रहें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से लगा लेते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें।